प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत अधिक महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्र पक्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज पूरे देश में कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मथुरा, प्रयागराज, हर जगह पर श्रद्धालुओं में एक हर्षोल्लास है। इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ पीएससी से मौजूद हैं शादाब। शादाब, क्या अपडेट्स हैं वहाँ के, क्या तैयारियां हैं वहाँ की, क्या श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लखनऊ के महानगर में पीएससी है, जहाँ पर लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम आपको दिखलाना चाहेंगे, यहाँ पर लोग यहाँ पे तैयारियां कर रहे हैं। अब पूजा की जाएगी। हम आपको दिखला दें, ये बच्ची है जो इसकी तैयारियां की जा रही हैं। और साथ ही इसको जो है, साथ में यहाँ भी जो महिलाएं हैं वो भी तैयारी करती है। आइए हम कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आज हम यहाँ पे तैयारी, आज जन्माष्टमी का कृष्ण जी का जन्मोत्सव है और जन्माष्टमी की सारे देश में धूम है। मेरा सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम सब लोग बड़े उत्साह से यहाँ श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और तैयारियां कर रहे हैं। और तरह तरह का हम लोगों ने यहाँ श्रृंगार किया है। एक छोटी सी राधा रानी भी तैयार की है और कन्हैया जी भी छोटे से तैयार होंगे, वो रात को 12 बजे चलेंगे। सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देखिए, यहाँ महिला है, ये छोटी सी बच्ची है जिनको तैयार किया गया है। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? कैसा लग रहा है आपको अभी? आप शाम को तैयारियां कर रही हैं, अभी फिलहाल अब शाम को आप प्रोग्राम कर रही हैं, क्या क्या कहेंगे आप? अच्छा, ये फिलहाल ये बच्ची भी तैयार है और यहाँ पे महिलाएं हैं, कोशिश करते हैं बात करने की। मैम, आज यहाँ पे आप तैयारियां कर रही हैं, क्या कहेंगे? आज जन्माष्टमी है और हम सब भक्तगणों में बहुत उत्सुकता है, क्योंकि साल भर हम लोग इंतजार करते हैं कि आज का दिन आए और हम लोग पूरे जश्न से पूरे उत्साह से ये मनाए। रात में 12 बजे जन्म होगा कन्हैया जी का, और तरह तरह की हम लोग तैयारियां किए हैं कि जैसे बच्ची उसको राधा रानी बनाया है और कृष्ण गोपाल बनाए हैं, तो उनके झांकियों के द्वारा हम लोग कृष्ण का जन्म मना रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, इससे पहले कोरोना था जिसके चलते धूमधाम से नहीं बनाया जा रहा। कोरोना के चक्कर में हम लोगों के मन की इच्छाएं जो है 2 सालों से दबी हुई थी, 2 साल कोरोना से उभरने के बाद जो है ये शुभ अवसर आया है। बहुत जो है अपने कन्हैया का हम लोग जो है हर्षोल्लास से जो है आज जन्मदिन मना पा रहे हैं, मैया का श्रृंगार कर पा रहे हैं। तो हम सब सखियों का जो है बहुत 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 जो है आभार जो है माता रानी का कि मना पा रहे हैं, इसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। ये सौभाग्य हम और साथ ही सभी देशवासियों को हम सब की तरफ से आज कन्हैया के जन्मदिन के सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया का जन्म बहुत शुभकामनाएं सब लोगों के जीवन में बहुत अच्छी शाम का इंतजार है। 12 बजे जी का जन्म होना है, उसकी अपनी तैयारियों में लगे कि राज जन्मोत्सव को मनाने के लिए क्या क्या भोग की व्यवस्था की गई है, इस पर थोड़ा सा जानकारी लीजिए। बिल्कुल, देखिए हम बात करेंगे महिलाओं से कि क्या तैयारियां हैं। देखिए मैं यहाँ पे भोग भी लगाया जाएगा। क्या भोग में स्पेशली हम लोग जो पंजीरी होती है, आटे की जो पंजीरी बनाई जाती है वो, और धनिये की पंजीरी बनाई जाती है ठाकुर जी के भोग के लिए। जो व्रत रखते हैं उनको धनिये की पंजीरी दी जाती है और चरणामृत बनाया जाता है, क्योंकि ठाकुर जी को चरणामृत अति प्रिय है। चरणामृत और फल आदि वितरण किए जाएंगे और रात को 12 बजे का कार्यक्रम, लेकिन तैयारियां सब अभी से हम लोग कर रहे हैं कि रात के 12 बजे तक हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से हर्षोल्लास के साथ हम अपने काला का जन्मदिन मना सके और सब लोग उसी हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में कान्हा जी के दर्शन बनाए। बोलो जय कन्हैया लाल की। कुछ यहाँ पे क्या नाम है? हमारा नाम कुंडलाल। आप यहाँ पे हम यहाँ
तैयारी आज से 26 साल हमको झांकी सजाते हो गया है। मात्र एक चीज आपसे हम बताना चाहते हैं, पुलिस विभाग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के हर्षोल्लास से क्यों मनाओ, जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था मथुरा में, उस समय जो हमारे द्वारपाल थे वो एक प्रकार से जैसे आज सैनिक हैं, यही प्रकार से उस समय भी सैनिक थे। जिस समय उनके सो जाने के कारण भगवान की लीला थी कि वो सो गए और कन्हैया जी जेल से गायब हो गए, तो इसका डर उनके अंदर बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि उस समय शासन कंस का था, सिवा मौत के दूसरा चारा नहीं था। तो उन्होंने कहा था कि हे भगवान, तुम अगर आज हमारी जान बख्श दोगे और हमें बचा लोगे तो आजीवन ये सैनिक समाज जो हमारा सैनिक बल है ये आपके जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाता रहेगा। तो मेन चीज जैसे समय सिपाही की नौकरी होती थी उसके उन्होंने बताया था, तो उसी के उपलक्ष्य में हमारा सैनिक बल श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाता है। जय कन्हैया लाल की। ये यहाँ पे जवान उन्होंने बताया कि किस तरह यहाँ पे जन्म को मनाया जाता है। जी शादाब, कृष्ण जन्मोत्सव को लेके जो शाम को तैयारियां की गई हैं महिलाओं द्वारा, क्या अब उसको दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं, यहाँ पे महिलाओं तैयार किया गया है, आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से तैयार किया गया है। पूरी तरह तैयारियां हैं और यहाँ पे ये सब प्रसाद के लिए भी रखा गया है, और इधर किस तरह से आप देख सकते हैं कि चोलियां रखी, अभी थोड़ी देर के बाद फिर से तैयारियां और जोरों शोरों से करेंगे। फिलहाल अभी जो तैयारियां हैं वो इस तरह की हैं, और उसी को अगर बाहर की बात की जाए तो बाहर भी टेंट लगा दिया गया है, और साथ ही धूमधाम से यहाँ पे जो जन्म तो मनाने की तैयारियां चालू हैं। फिलहाल अभी जो पीएससी के जवान हैं वो तैयारियां लगातार कर रहे हैं, बस अभी धूप ज्यादा होने की वजह से वो थोड़ा सा रुके हुए हैं, जैसी धूप कम होती है उसके बाद उसकी तैयारियां बहुत की जाएगी। जी जी शादाब, कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और पीएससी में जो भी कार्यक्रम का आयोजन शाम को होगा उसको लेकर आपने काफी अच्छा भव्य चीजों को बताया। फिलहाल इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता शादाब, जो कि पीएससी से लखनऊ से थे। इन्होंने पीएससी में जो भी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, कौन महिलाएं किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर, ये आपको दिखाया। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।